गुड मॉर्निंग। ये जो इतना सारा जो न्यूज चैनल में न्यूज रिपोर्टर्स लोग बोलता है मणिपुर वायलेंस, क्या है मणिपुर वायलेंस? मणिपुर वायलेंस नहीं है, आप छोड़िए मणिपुर वायलेंस का बात, मणिपुर मूवमेंट बोलिए अभी, क्योंकि ये मणिपुर वायलेंस, मणिपुर मूवमेंट ये अलग, दो अलग वर्ड है। मणिपुर मूवमेंट, इलीगल इमिग्रेंट्स, मणिपुर में जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो पहले से घुसा हुआ है, घुसपैठिया जो घुसा हुआ है, उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट है। मणिपुर गवर्नमेंट भी वो मूवमेंट कर चुका है, उस वजह से कुकी टेररिस्ट, कुकी मिलिटेंट्स लोग चूरचांदपुर एरिया में बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट्स, क्योंकि म्यांमार बर्मा नेबरिंग कंट्रीज है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो इलीगली इमिग्रेट करके आया है, जो इसके पास कागज पत्र कुछ भी नहीं है, वो लोग घुस घुस के सूरचांदपुर एरिया और बहुत सारा हिल एरियाज में कैप्चर करके रखा है, विलेजेस बना के रखा है। उस वजह से ये मणिपुर मोमेंट है, जैसे असम में असम आंदोलन, असम मोमेंट किया था। असम में असम आंदोलन क्यों हुआ था? इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेश से जो आदमी आया है उसका इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण असम आंदोलन हुआ था। 855 असामीज लोग ने अपना जान आहुति दिया था, 10,000 के ऊपर हैंडीकैप हुआ था। तो ये असम आंदोलन क्यों हुआ था? इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आया है उसके वजह से असम आंदोलन हुआ था। सेम टू सेम मणिपुर आंदोलन, मणिपुर मूवमेंट, मणिपुर में जो हो रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में है, इंडिजिनस पीपल ऑफ मणिपुर के अगेंस्ट में कोई नहीं है, सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में है। मणिपुर इज नॉट द डंपिंग ग्राउंड ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट्स। और जो इलीगल इमिग्रेंट्स बोल रहा है अभी अभी, जो वायलेंस करा रहा है, कौन करा रहा है? मणिपुर का जो बाउंड्रीज है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, कौन कर रहा है? आर्म्स एम्युनेशन म्यांमार बर्मा से कैसे आ रहा है? वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आप दूसरा इशू में ज्यादा मत जाइए, मेन इशू तो मणिपुर मूवमेंट इशू है, इलीगल इमिग्रेंट्स इशू है, उसी के वजह से तो सब कुछ हो रहा है। इसलिए मणिपुर में वायलेंस नहीं, मणिपुर में मणिपुर मूवमेंट चल रहा है अभी, टू सेफ गार्ड द बाउंड्रीज ऑफ द मणिपुर।